जो नीतीश कुमार जी ने जी बोलने के लिए भी मुझे शब्द नहीं निकल रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री एक प्रदेश के अगर इस तरीके से विधान भवन में इस तरीके से विधान करते हैं तो मुझे लगता है वो बिहार की जनता ने उन्हें उत्तर देना चाहिए। और देश की जितनी महिलाएं बेटी जिन्होंने भी आज नीतीश कुमार का ये बयान सुना है और विधान भवन में इस तरीके से आपके दिमाग में कितनी गंदगी है वो आपके घर तक सीमित रखिए। नीतीश कुमार जी, जब आप एक विधानसभा में अगर आप बोलते हैं विधान भवन में और महिलाओं के बारे में बेटियों के बारे में तो मुझे लगता है आपके विचार स्पष्ट तरीके से वहां पर दिखाई दिए जिस तरीके से आपने महिलाओं के बारे में और बेटियों के बारे में कहा है। तो मुझे लगता है आपने बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश की महिलाओं को और बेटियों को न्याय देने की बात करनी चाहिए, ना कि इस तरीके के जो विधान आपने किए उसके लिए आज आपने राजीनामा देना चाहिए। माफीनामा नहीं, हम बेटियों को इस देश की आपका राजीनामा चाहिए, क्योंकि इस तरीके के विचारधाराओं की मुख्यमंत्री अगर कोई प्रदेश में होंगे तो हमारे देश की संस्कृति और हमारी महिलाओं पे दाग लगाने वाला व्यक्ति ये होगा।